ओम शांति। पहली जनवरी साकार मुरली, मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है व कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है। कुछ तो कर ले, तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सन्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्ची तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान उवाच तो है नहीं, ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान उवाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो, हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है, हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर, राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के दो पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेगर बन गए हो। अब सिर्फ प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका व लंका निकल आएगी। द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता,
क्या सिर्फ देवता ही होंगे? अनेक मत मतांतर है, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं। यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना? हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, ये सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ, सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है। इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है, बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं, क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं, क्या होता है, आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरन करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बेज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं, वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से कृष्ण व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म, फिर कब स्थापन होंगे, देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे, पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में
सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें निकालते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नोंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेगी। ये साइंस वहाँ सुख देने वाली होंगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं? आगे तो यह बिजली, गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया है। वहाँ तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है। कितनी मंजिल बनाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होगा। वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स अधिक कुछ नहीं पड़ेगा। वहाँ तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है, पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत सेवा कर रहे हैं, बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे, अभी भी डर रहे हैं कहां लड़कर बॉम्ब्स न चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामानुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है। बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा, यही फिक्र है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाए। मेहनत तो करनी है ना, प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रखकर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया है। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है, समझते नहीं विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की राजाई देने। दान पुण्य करने वालों को
कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, इतने ढेर ब्राह्मण, वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है, जब स्वर्ग बनाने लिए पाप मंत्र देते हैं, मन मना भाव मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपवाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो ये मंत्र है, मनमना भाव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से खिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपने उच्च तकदीर बनानी है। वरदान रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाव। विस्तार रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान ऑथोरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। इस अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, सारा दिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव को धारण करने का विशेष अटेंशन रख, अशुभ भाव को शुभ भाव में, अशुभ भावना को शुभ भावना में परिवर्तन कर खुशनुमा स्थिति में रहना है। आप सर्व को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां हो। ओम शांति।